अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मैरोश महमूद एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन लिटिल हैप्पीनेस विद मैरोश। आज मेरे किचन में देगी पालक गोश्त, शादियों वाला पालक गोश्त बन रहा है। बहुत ही मज़े का और क्रीमी बनकर तैयार होता है। शाइनी लुक कैसे आती है, स्मूथ टेक्सचर कैसे आता है, सब बताऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। पालक ली है मैंने, इसको मैंने अच्छी तरह धो के, काट के, बॉयल करके और फिर ग्राइंड कर लिया था। इस वक्त जो आपके पास पालक नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये ऑलमोस्ट है 2 किलो। ठीक है, आप देख सकती हैं इसमें पानी भी है। ठीक है, हम पालक की भुनाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया है मैंने 1 कप, इसमें पालक शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। बीफ ली है मैंने 2 kg, इसको मैंने प्रेशर में डाल दिया है। ब्राउन अनियन लिया है मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी लाल मिर्च लिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, ब्लैक कार्डमम, 2 दालचीनी ली है, इनको इतना छोटा छोटा काट लिया, तोड़ लिया। 20 से 25 अदद मैंने साबुत काली मिर्च लिया और 20 अदद लौंग लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 किलो दही लिया मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 हरी मिर्च ली हैं, बारीक चॉप कर ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इस 10 से 15 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि जो हमारा पानी है, जो दही का जो पानी है और जो गोश्त में से जो पानी निकलेगा वो खुशक हो जाए, कौरमे का मसालों का ब्राउन सा कलर आ जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, तरी ऊपर आ जाए। सुभान अल्लाह, पालक को भुनते हुए 1/2 घंटा हो गया। अब मैं इसमें 1 कप दूध शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध से होगा आपकी पालक का टेस्ट जो है, वो कहते हैं ना क्रीमी क्रीमी, वैसे टेस्ट आएगा। इसका कच्चापन और इसकी करवाहट सारी ख़त्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, देखें बुनाई हो गई है। तकरीबन 15 मिनट में गोश्त की बुनाई हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कौरमे के लिए जितना ब्राउन कलर होता है वो कलर आ गया इसका। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी और इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर पर लगा दूँगी, क्योंकि गोश्त अभी हमारा कच्चा है ना, अभी हमने इसको गलाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक हमारी भुन चुकी है, अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है, देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ऑयल सेपरेट हो गया। एक शाइन जो होती है ना, जो चमक होती है, वो हमारी पालक पे आ गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर को लगे हुए ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, देखें सुभान अल्लाह हमारा कौरमा तैयार है, ऑयल सेपरेट हो गया, गोश्त भी हमारा कितना शानदार गला है और कितना कौरमे वाला ज़बरदस्त ब्राउनिश ब्राउनिश कलर आया। अब मैं इसमें अपनी पालक शामिल करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी इसको। इस स्टेज पे मैं अपने मसाले ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून पिसा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करूँगी। पालक हमारी ऑलमोस्ट रेडी है क्योंकि ऑयल आ गया है और थिकनेस भी काफ़ी अचीव हो गई है, बल्कि जितनी रिक्वायर्ड थी मुझे थिकनेस उतनी मिल गई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखें, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आप अपनी रेसिपी की, अपनी डिश की बहुत अच्छी किया करें। जिसको नहीं भी गोश्त पसंद होता है, कैसे आप ना चाहते हुए भी एक नवाला ले ही लें। बहुत ही शानदार पालक गोश्त तैयार है। अम्मी अबू को लाजमी टेस्ट कराइए और उनकी दुआएं लीजिए। साथ ही मैंने जीरे वाले चावल बना लिए थे, इसके साथ चावल बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।